बाजार से जब हम अमचूर लाते हैं वो थोड़ा काला काला होता है, क्योंकि वो छिलके के साथ आम को काटते हैं, उसको खाते हैं, और वो गंदा भी होता है। और ये घर का अमचूर है, एकदम फ्रेश है, ताजा है, और इसमें कोई गंदगी भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी, स्वागत है आपका शालिनीज किचन में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको कच्चे आम की मदद से एक ऐसी चीज़ बनाना बताऊंगी जिसको आप अपनी किचन में रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट है वो हर किसी के किचन में यूज़ होता है और हर किसी के घर में वो मिलता है। चलिए आज हम देखते हैं कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसको हम कच्चे आम की मदद से बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, उस इंग्रेडिएंट को बनाना हम शुरू करते हैं। कच्चे आम का अमचूर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। आम लेते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि आम एकदम टाइट होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। अगर आम नरम होगा तो इसको जब आप छीलने के बाद काटेंगे तो ठीक से नहीं कटेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आम अच्छे से टाइट हो और कच्चा हो। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि आम का ये ऊपर का हिस्सा, इसको काट के और इनको हमें छीलना है। तो हम काट के छील लेते हैं। तो चाकू की सहायता से सबसे पहले हम ये ऊपर के पार्ट को कट कर देंगे। तो ऊपर के हिस्से को हम इस तरीके से हटा देंगे। इसी तरीके से सारे आम के हिस्से को हम निकाल के हटा देंगे। अब हमें यहाँ पर इनको छीलना है, तो छिलनों की सहायता से इनको हम छील लेते हैं। नॉर्मली जब हम बाजार से अमचूर पाउडर लेके आते हैं तो वो महंगा पड़ता है, और अगर आप इसको घर पे बनाएंगे तो घर पे इसको बनाना आसान भी होता है और ये पाउडर सस्ता भी होता है। तो आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। इस अमचूर को आप एक बार बनाकर वो लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में रखें, यह साल डेढ़ साल ख़राब नहीं होता है और बहुत आसानी से चल जाता है। आम को काटने के लिए आप चाहे तो चाकू की मदद से आम को काट सकते हैं। तो चाकू की मदद से आप इस तरीके से आम को काटते जाइए। तो मैंने यहाँ पर ये सूप लिया है, सूप में मैं इनको सूखने के लिए रखूँगी। आप चाहे तो कपड़े पे या फिर पेपर पे या प्लेट में भी इनको सुखा सकते हैं। तो चाकू की मदद से आप इस तरीके से आम को काटते जाइए और डालते जाइए। ये सूप आपको पुराने घरों में ज़रूर मिलेगा, और मैं भी अपने घर में रखती हूँ, कभी कुछ ज़रूरत होती है तो मैं सूप का यूज़ करती हूँ। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि चाकू से मैंने इनको काटा है तो ये मोटे मोटे पीसेस आए हैं। अगर आपके यहाँ धूप बहुत अच्छी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये धूप में अच्छे से सूख जाएंगे। और अगर धूप कम आती है तो उसके लिए आप क्या करें, चाकू की जगह आप छिल्लू का यूज़ करके इस तरीके से आम को आप छील सकते हैं। इससे आम पतला पतला कटेगा और ये सूख भी जल्दी जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनके यहाँ धूप कम आती है, और जिनके यहाँ धूप अच्छी आती है, ज़्यादा आती है, तो वो चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि छिल्लू की मदद से कितने पतले पतले पीसेज यहाँ पर ये कट रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसकी सहायता से भी आप अगर आप काटेंगे तो अमचूर आपका जल्दी सूख जाएगा। अगर आपके पास चिप्स काटने की मशीन है तो उसकी सहायता से भी आप आम को इस तरीके से, जिस तरीके से आप आलू के चिप्स काटते हैं, उस तरीके से आप आम को भी छील सकते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया है। सारे आम को मैंने यहाँ पर छिल्लू की मदद से और कुछ चाकू की मदद से काट और छील लिया है। अब हमें इनको धूप दिखानी है, तो इन आम को 2 से 3 दिन की आप धूप दिखाएं। 2 से 3 दिन में ये अच्छे से सूख जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे 3 दिन के बाद। आम यहाँ पर हमारा अच्छे से सूख गया है, मैंने इसको 3 दिन की अच्छी धूप दिखाई, तो ये अच्छे से सूख गया है। मैंने सूप से निकाल कर इनको परात में रख लिया था। तो अब हमें इन अमचूर को पीसना है, तो इनको हम पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए अमचूर को हम ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे। तो सूखे हुए अमचूर को हम एक जार में डालकर पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें डाल के अमचूर को हम अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर ये अमचूर पाउडर हमारा तैयार हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये एकदम बारीक अमचूर पीस के तैयार हो गया है। इसका आप कलर देखिए, एकदम क्लीन है ये अमचूर। बाजार से जब हम अमचूर लाते हैं वो थोड़ा काला काला होता है, क्योंकि वो छिलके के साथ आम को काटते हैं, उसको खाते हैं, और वो गंदा भी होता है। और ये घर का अमचूर है, एकदम फ्रेश है, ताज़ा है, और इसमें कोई गंदगी भी नहीं है। इसको आप स्टोर करके रखिए, एक एयरटाइट कंटेनर में भर के आराम से 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए और स्टोर करके रखिए। अगर आपको मेरे अमचूर पाउडर बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।